हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कोलेस्ट्रॉल ड्राप। साथियों, ये कोलेस्ट्रॉल ड्राप है। कोलेस्ट्रॉल ड्राप लॉर्ड्स कंपनी बनाती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसके बारे में आपको पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आपको लाभ हो सके। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाया करे। और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके और मुझे भी मोटिवेशनल मिल सके। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है कोलेस्ट्रॉल ड्राप। कोलेस्ट्रॉल ड्राप ऊपर लिखा हुआ है लॉर्ड्स कोलेस्ट्रॉल ड्राप, नीचे लिखा हुआ है होम्योपैथिक मेडिसिन लार्ज केयर बेटर, इस पे लिखा हुआ है। तो इसको बात करेंगे सबसे पहले कि जो इसमें कंपोजिशंस पड़ा हुआ है उसकी, तो क्या क्या कंपोजिशंस पड़ा हुआ है इसमें। जो है सबसे पहली मेडिसिन पड़ी हुई है वो है चेलिडोनियम। साथियों, चेलिडोनियम लीवर के लिए बहुत बेहतरीन होती है। इसके बाद है कोलेस्ट्राइनम, कोलेस्ट्राइनम भी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। सिस्टस कैन, एलियम सटाइवा, कैल्केरिया कार्ब, फास्फोरस, इतनी मेडिसिनें मिली हुई हैं जो कि इसको बहुत ही बेहतरीन दमदार बना देती हैं। तो साथियों, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि कब लेते हैं। तो इसको तब लेते हैं जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपकी ट्राइग्लिसराइड बढ़ी हुई है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, उस टाइम आप लेंगे। जैसे आप जांच कराते हैं तो पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। जब भी आपकी ट्राइग्लिसराइड एलडीएल बढ़ जाता है, उस टाइम आपको लेना होगा, जिससे कि आपका नॉर्मल रेंज ये कर देगा। साथियों, ये क्लिनिक पर चलता है और बहुत बेहतरीन रिस्पांस देता है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं। तो आपको मेन रूप से सब कुछ मिला के यही है कि अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके शरीर में बढ़ गई है, जब भी आप जांच कराते हैं और जांच कराने में पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, तो ये ड्राप बहुत बेहतरीन साबित होगा। आप इसको जरूर आजमाइएगा। तो चलिए इसके इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। जो इस पे इंडिकेशंस पड़ा हुआ है वो लिखा हुआ है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्लूडिंग एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया है, जैसे कि एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, उस केस में आप लेंगे, बहुत बेहतरीन रिस्पांस देखने को मिलेगा। इसके बाद लिखा हुआ है एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लीवर लीडिंग टू हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि अगर आपका एबनॉर्मल फंक्शन जो होता है, एबनॉर्मल फंक्शन हो गया है लीवर का, जो लीवर है वो एबनॉर्मल फंक्शन हो गया है, यानी कि फंक्शन यानी कार्य उसका सही से नहीं हो रहा है, कार्य गड़बड़ हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको लेना है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो उसी कंडीशन में आपको लेना है। फैटी लीवर हो गया है तो भी लेना है। नैरोविंग एंड डीजनरेशन ऑफ आर्टरियल वॉल, यानी जो आपकी आर्टरी वॉल होती है उसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल की जमा हो जाती है, यानी कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा जम जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको लेना होता है। लिखा हुआ है क्लिंगिंग ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, यानी वही चिपकना, अंदर जब चिपक जाता है तो उसको लेना होगा, जिससे कि ये हटा देता है। इसके बाद है हार्डनिंग ऑफ द आर्टरियल वॉल, जो आपकी आर्टरी वॉल है अगर उसमें कठोरपन आ गया है, हार्ड हो गई है, उस कंडीशन में भी लेना होगा। इसके बाद है हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, यानी हाइपर कोलेस्ट्रीमिया मतलब कि हाइपर कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया है उस कंडीशन में। एथेरोस्क्लेरोसिस में भी लेना है, जबकि आपकी जो आर्टरी है उसमें जो है कि सिकुड़न हो और उसके साथ साथ उसमें हार्डनेस टाइटनेस हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको लेना होगा। कोलेस्ट्रॉल एसोसिएटेड विद नर्वस सिम्टम, आपका नर्वस सिम्टम्स के लिए भी ये काम करता है, जो कि बहुत बेहतरीन साबित होता है। तो गाइज, डोजेज की बात कर लेते हैं। तो जो इसका डोज है, डोज आपका 20-30 ड्राप, यानी 20-30 बूंद आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेना होगा, यानी कि 1/4 कप वाटर लेंगे। उसमें आपको ये भी ड्राप ऐसे ही है, देखिए इस तरह का ड्राप है, आप इसको निकालें सीसी, तो ये सीसी जो निकलेगी इस तरह का निकलेगी, इसका ढक्कन खोलेंगे, ड्रापर लगा हुआ है। आप इसको 20-30 बूंद आप पानी में टपकाएंगे, जैसे थोड़ा सा कप में पानी ले लेंगे, उसमें आपको 20-30 बूंद टपका लेना है सुबह में, फिर 20-30 बूंद दोपहर में, फिर 20-30 बूंद शाम को, यानी कि तीनों टाइम आपको ये लेना होगा, जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कहें तो नॉर्मल कर देगा। इसके बाद बात करेंगे इसके एमआरपी की भी। तो जो इस पे एमआरपी पड़ी हुई है वो 160 रुपीज पड़ी हुई है।
यानी कि 160 रुपए की ये मिलती है, बहुत मायने नहीं रखती है, ये बढ़ता घटता रहता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। जैसे जितना ही लेट यानी कि बात की बनी हुई होगी तो इसकी एमआरपी भी ज्यादा ही होगी और बढ़ती ही रहेगी, कम होने का नाम नहीं ले सकती, यानी ये बढ़ना ही बढ़ना है, तो इसका कोई मायने नहीं। लेकिन इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तभी आपको लेना है, वरना नहीं लेना है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद साथी।